व्हाट्स हैपनिंग गाइस। तो गाइस आज हम लोग माइनक्राफ्ट में, और गाइस आज ना हम लोग 1.19 के मिथ्स ब्रेक करने वाले हैं। हम लोग आज माइनक्राफ्ट के 1.19 के जो मिथ्स नए नए आए हैं उसको करके देखेंगे, और देखेंगे जो जो काम करता है वो ये बताएंगे, और जो जो फेक है कैप है उसको भी बताएंगे, ठीक है। और सबका पर्दाफाश करेंगे जिससे आप लोग ना फंस जाओ। और हाँ गाइस, मेरा तो खला दर्द दे रहा है, तो मेरा गला खराब है, तो मतलब गला खराब है तो आवाज बदला बदला से लग रहा होगा, भारी भारी, और गला भी दर्द दे रहा है थोड़ा मोड़ा, पता नहीं क्या हो गया। उससे पहले मेरे को बुखार था, फिर बुखार ठीक हुआ तो सर्दी हुआ, सर्दी के बाद गला में दर्द, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हाँ, हमारा जो फर्स्ट मिथ है उसके लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा वार्डन को। ये तीन चीजें चाहिए हम लोगों को, मगर क्यों? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और एनविल में हम लोगों को रख देना है साइन नेम टैग को, और इसमें लिख देना है डिनर बोन, और देखते हैं डिनर बोन वार्डन में काम करता है कि नहीं। गुड क्वेश्चन। ओहो भाई, वार्डन में भी डिनर बोन काम करता है। इसके बीच में गैप नहीं लगाना था। हाँ, तू भी हो जा, ठीक है। ओ भाई, कैसा लग रहा है ये? ओ तेरी, ये देखो इसको तू क्यों मारा, ये तेरे को कुछ कर भी नहीं रहा था। तो हाँ भाई, चलो डिनर बोन यहाँ पर सिंपल मॉब में भी काम करता है, और हमारे वार्डन में भी करता ही है। तो जो हमारा दूसरा मेट है उसमें भी हमें वार्डन चाहिए होगा, तो चलो वार्डन को स्पॉन करते हैं। नमस्ते। बढ़िया, घर में मम्मी कैसी है? मेरा आवाज सही लग रहा है ना, वो बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरा आवाज मेरे को बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है। तो हाँ, तो जो हमारा दूसरा मेट है वो है क्या? अबे यार चुप हो जा थोड़ा देर। हाँ, तो हाँ, जो हमारा दूसरा मेथ है वो है वार्डन इग्नोर करता है आर्मर्स को, यानी कि आप आर्मर पहन के भी उसे डैमेज लोगे, और बिना आर्मर पहन के भी डैमेज लोगे, तो सेम डैमेज होगा क्या? अगर ऐसा होता भाई तो आर्मर का कोई फायदा नहीं है वार्डन के सामने। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो नहीं चाह रहा हूँ ऐसा करना, फिर वार्डन को मारना आसान नहीं होगा। कहाँ गए हो वार्डन जी? चलिए आइए, मार के देखते आपको, शायद मार ले आपको। क्या हो गया? इतना जोर से तो नहीं मारना चाहिए था, एक हिट में खत्म, कोई इज्जत भी है हमारी? धनिया नहीं है हम जो फ्री में मिल जाए। तू है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है। पर वार्डन के सामने धनिया ही लग रहे हैं। तो भाई चलो, वार्डन यहाँ पर है। नहीं 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 नहीं, इग्नोर नहीं करता, इग्नोर नहीं करता। तो चलो भाई एक बार उसका सोनिक बूम वाला अटैक खा के देखते हैं। सोनिक बूम वाला अटैक दे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अरे भाई सोनिक बूम वाला अटैक दे ना, सामने आके क्यों मार रहा है? हाँ ठीक है, सोनिक बूम से यहाँ पर 4.5 हार्ट गए बिना आर्मर के, ठीक है 4.5 हार्ट गए। अब चलो क्रिएटिव में। अरे भाई मर ही जाओ, बच के क्या करोगे? ठीक है चलो सोनिक बूम अटैक दो। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सोनिक बूम से 4.5 हार्ट मेरा बचा हुआ था तो मैं मर गया। तो हाँ, मेरे को अभी पता चला कि जो वो दूसरा मेथ था वो सिर्फ सोनिक बूम को लेके था। चलो देखते हैं अगला मेथ क्या है। चलो चलो चलो। अरे भाई वो क्या है? ओ तेरी भाई, मैं तो यहाँ पर मेथ कंफर्म करने जा रहा था। भाई इतने बड़े बड़े कैप मिलेगा क्या हम लोगों को? ओ तेरी भाई साहब, ये देखो इतने बड़े बड़े कैप। भाई माइनक्राफ्ट का भी सर्वाइवर सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया ना भाई, बहुत मजा आएगा खेलने में। पर माइनक्राफ्ट सर्वाइवर सीरीज आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं पता नहीं यार, इसलिए मैं ये सर्वाइवर सीरीज बनाता नहीं हूँ। तो हाँ, जो हमारे थर्ड मिथ है, क्या ये जो फ्रॉग्स होते हैं, ये फ्रॉग जो होते हैं वो क्या एंडरमाइट को खाते हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो हाँ, जैसे हम लोगों को पता है स्लाइम को ये फ्रॉग्स खाते हैं, फ्रॉग्स स्लाइम को खाते हैं। हाँ मेरे को ये बोलना था। हेलो फ्रॉग भाई, क्या मस्त लग रहा है ये, देखो मस्त मॉब ऐड किया माइनक्राफ्ट वालों ने। तो हाँ देखो, ये फ्रॉग खा रहा है स्लाइम को, ये छोटे छोटे स्लाइम को फ्रॉग्स खाते हैं। तो क्या ये एंडरमाइट को खाते हैं? एंडरमाइट को भी खा सकते हैं भाई, वो छोटे छोटे होते हैं। देखते ये एंडरमाइट को क्या खाते हैं। अरे भाई ये तो मेरे को ही मार रहा है, क्या तुम लोग एंडरमाइट को खाते हो? दिखाओ जल्दी। नहीं भाई, एंडरमाइट को तो नहीं खा रहे ये लोग। तो हाँ, मिथ बस्टर्ड हो गया।
फ्रॉग्स एंडामाइट को नहीं खाते, वो बस स्लाइम को खाते हैं। तो हाँ गाइस, जो हमारा कितना नंबर चल रहा है मेरे को नहीं पता, यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा, कहीं पर भी लिखा हुआ आ रहा होगा, जितने भी नंबर चल रहा है, जो हमारा मिथ है वो है क्या, वार्डन फायर प्रूफ है। बाबा! तो यहाँ पर मैंने तीन टाइप, तो हाँ मैंने यहाँ पर तीनों टाइप के फायर रख दिए है, चलो जला के देखते हैं। अरे वाह भाई, वार्डन तो फायर प्रूफ है भाई, इतना पावरफुल मॉब किसने बोला ऐड करने के लिए। हम लोग अंडर वाटर चल सकते हैं पर बहुत धीरे, तो क्या हम लोग तेज भी चल सकते हैं? अंडर वाटर मड ब्लॉक में चलने से कोई स्पीड नहीं बढ़ता, मिथ फेल्ड हो गया इतना मेहनत करने के बाद, चलो कोई ना। तो हाँ, जो हमारे अगले मिथ के लिए हम लोगों को मरना पड़ेगा, तो हाँ अगले मिथ के लिए हम लोगों को मरना पड़ेगा, और उसमें मैं माहिर हूँ। तुम्हें शर्म है कुछ? थोड़े से लीव्स ले लेते हैं, लीव्स लीव्स ले लो, एक पोशन भी ले लेते हैं। मेरे को मरना बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत जल्द मर जाता हूँ। हम लोगों को ये रिकवरी कॉम्पास लेना है, इसको हम लोग ले लेते हैं। और हाँ, इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक नॉर्मल कॉम्पास रखना है, और चारों तरफ यहाँ पर ये रख देना है एको शार्ड, और आपका बन जाएगा रिकवरी कॉम्पास। कंपास बोल लो यार, क्या दिक्कत है। तो हाँ, ये जो रिकवरी कंपास है, ये जहाँ दिखा रहा है वहाँ पर जाना है, ये जहाँ दिखा रहा है वहाँ पर जाना है। देखो ये यहाँ पर बार बार यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, और जहाँ मैं मरा था ये वहाँ पर आ जाएगा भाई साहब। अब हम लोग अपने भूले हुए सामान को ले सकते हैं। मेरे कितने सारे डायमंड भुला गए थे यार, अब नहीं भुलाएगा, और ये मिथ होता है कंफर्म्ड। तो हाँ गाइस, मैं और भी मिथ्स करता पर मेरा गला भी बहुत ज़्यादा दर्द देने लगा है, और बस इतना ही। पार्ट टू के लिए कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं और भी इसके पार्ट्स बना सकता हूँ, तो आप लोग बोलना कमेंट सेक्शन में, बना दूंगा। और हाँ, आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा ना तो जरूर से सब्सक्राइब से कर देना, सब्सक्राइब तो कर देना। और गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो हाँ, जो मेरा तो हाँ बोल नहीं पा रहा मैं, तो हाँ जो हमारा फर्स्ट टिप है उसके लिए हमें, तो हाँ जो हमारा फर्स्ट टिप है उसके लिए हमें, अब आवाज बदला बदला से क्यों लग रहा है मेरा।